ଓଡ଼ିଆ ଡିଶ୍ ସକାଳେ ବି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଗାଧୁଆବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ वेलकम बैक टू माई चैनल शूज लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल जैसे कि आपने देखा, कल हमारी छोटी सी पार्टी हुई थी, बहुत मस्ती किया सबने। आज मेरा थर्ड डे है। हाँ, मैंने डाला था उसमें, आज नहीं, उसमें नहीं डाला था। आज मेरा थर्ड डे है यहाँ पे, तो आज शाम को मैं चली जाऊँगी क्योंकि कल मंडे है, कल से फिर सबकी ऑफिस सब कुछ है, काम वाम, तो इसीलिए कल मैं चली जाऊँगी। सॉरी, आज मैं शाम को चली जाऊँगी। ये लो, आज शाम को मैं चली जाऊंगी, तो इसीलिए आज अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं। आज लंच में वाटर राइस बनाया है। गर्मियों में वाटर राइस बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, और ये उड़ीसा का फेमस डिश है, ठीक है। आज उसके साथ जो भी डिश बनाए वो उड़ीसा का फेमस डिश है, तो वो मेरे हस्बैंड बताएंगे क्या क्या बना है। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, वाटर राइस बना है जो कि गर्मियों में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और तो ये देखिए, सब अभी यहाँ पे खा रहे हैं बैठ के। वो मेरे पापा है, मम्मा से तो आप मिल ही चुके हो, अब मेरे हस्बैंड एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है। आप क्या खा रहे हो आज? ये उड़ीसा का फेवरेट डिश है, वाटर राइस। इसको पखाड़ बोलते हैं, पखाड़। अच्छा, तो ये पानी में, चावल में पानी डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं और गर्मी में खाते हैं, बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए सबसे अच्छा होता है, ठंडा होता है। और उसके साथ हमने लिया है ये रोहू मच्छ का फिश का फ्राई, रोहू मच्छी बोलते हैं इसको, इसका फ्राई है। और ये चिंगड़ी जो बोलते हैं, फ्रोन झींगा बोलते हैं, उसका ये एक चॉप बना गया है। और ये है प्याज और खीरा का सलाद है, और ये कलमी साग है, एक साग होती है, बहुत अच्छा होता है। और ये बड़ी होता है, बड़ी को मिक्स किया गया है गार्लिक के साथ, बहुत अच्छे से। अब एक बार सब कुछ उड़िया मतलब अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर दो क्या क्या। उड़िया का सबसे भला डिश या तो उड़िया रे बहुत खाते हाँ भाई, या ओडिशा बहुत खाती कहीं ना, ओडिया ओडिया डिश सकाळे भी खाती आ गाधुआ भी खाती, बहुत बढ़िया कहीं ना, जगन्नाथ पाखे भी एटा प्रसाद चढ़ा जाए, जगन्नाथ भी पखाड़ खाती, से ओडिशा रे सब लोग आको पखाड़ खाती, बहुत पखाड़ सबटू ओडिशा फेवरेट डिश। ता संगे ये माछ भजा सलाद, पाळ साग भजा, बड़ी चूरा, चिंगुड़ी माछ छेचा, आउ कंचा लंका संगे ठिया है गाधुआ बेले, बहुत बढ़िया आनंद लगे। अपन समस्ते खातु, ये वीडियो को देखु, लाइक करूँ, शेयर करूँ। जय जगन्नाथ। गाइज, मैंने आपको बताया था, दिखाया भी, आज आफ्टरनून में मैंने वाटर राइस खाया था हम सब ने, और बहुत मज़ा आया, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आई। और अभी हम जा रहे हैं एक बर्थडे सेलिब्रेट, सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, बड़ी दीदी लगती है, उनका बर्थडे है, तो उनके लिए सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। उनका नाम गुड़िया है, गुड़िया दीदी है, आप लोगों ने देखा भी है, उनसे मिले भी है, फिर भी आज एक बार और मिला दूंगी आपको। एली को नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो बहुत छोटी है ना, इसीलिए अभी एली को नहीं ले जा सकते हम, अभी मना किया। तो ये हो गई है मैडम, रेडी हो गई है ये, और एक जना पीछे से झांक रहे हैं, कौन है वैसे ये? हाँ, तो अब हम जा रहे हैं, उसके बाद चलो वहाँ जाके मिलते हैं, आपसे सरप्राइज देंगे, तो वहाँ जाके आपसे हम मिलते हैं, है ना। आपकी सुपुत्री कहाँ है? हमारा सुपुत्री आई तो है मेरे साथ, बाहर ही होगी। अच्छा, तो चलिए गाइस, मिलते हैं उनके घर पे, जाके मिलते हैं और उनसे मिलवाते भी है आपको। ये रात को एक ऐसे छोटा सा सेलिब्रेट किया था, केक तो रात को 12 बजे मिला नहीं, तो इसीलिए ब्रेड में हमने कैचअप डाल के स्माइली बना के, और एक ऐसी मतलब होममेड जिसे बोलते हैं सेलिब्रेट, हमने वही किया था क्योंकि रात को 12 बजे हम केक कहाँ से लाते, तो इसीलिए ये बस नॉर्मली घर का होममेड बर्थडे था। चलो भाई, जिसने पहले बनाया उसको खिलाया जाए ना, बस बर्थडे के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है उनके लिए, बर्थडे सॉन्ग।
तो उस खुशी में मैंने एक सॉन्ग उसके लिए प्रिपेयर किया है, तो आई होप उसे पसंद आए। सो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे बुढ़िया, वंस अगेन दिस इज फॉर यू, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यू को फोन करो। थैंक यू। जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। 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 थैंक यू। का नहीं रिंकी का नहीं। हैप्पी बर्थडे पीसी। थैंक यू। ओहो। हैप्पी बर्थडे। वेलकम। अरे कोदी रिंकी कथा कर रहे भीतरे। अच्छी ना आज की खादी मेरे छी। अच्छा तो गाइस अभी हम आ गए हैं, तो ये नहीं पीछे को हम लोगों ने विश भी कर दिया, बट पीछे पीछे नीचे ही बैठी हुई थी। यही है, मैं अपने एली के लिए लिख के जाऊंगी। क्या ये लेके जाओ? लिख के जाऊंगी। अच्छा तो थोड़ा सा प्लान का ये वो हुआ, हम लोगों ने कुछ और ही सोचा था कि सीढ़ी से हम लोग वो करते आएंगे, मतलब सीढ़ी के मतलब पिछले लोग नीचे वाले फ्लोर में हम लोग चला के लेके आएंगे, बट हुआ नहीं क्योंकि पीछे नीचे ही बैठी हुई थी फ्लोर में। मतलब कुछ ये री रिंकी बैठी हुई, तीन हंसों का जोड़ा ये देखो। কালকের গুলি দেখছিলাম আমি, বলো তো কাকি বললো গুড়িয়া আবার দাদাকে ফোন করছে মনে কিছু আনবে, ঠিক আছে খাবার জন্মদিনে খাবার উপলক্ষে খাবার উপলক্ষে খেয়ে নেব, কি আছে রাতে রাতে বেলা একটু কম আনলে না খাওয়া হবে। কালকে তুমি কে বল রে তে কে মাকে বলছি, মার কিছু বলবে না, ওনার কোনো বক্তৃতা নেই, উনি সাইলেন্টে থাকবে। তুমিও বক বক তুমিও কিছু বলবে না। হোস্টেল ফেস কিসকো খুজলি হ রি হ্যায় মুভমেন্ট হয়ে যায় না, দেখো করেঙ্গে না। মন যদি একটা রাখে না, হ্যাঁ মন যদি ও আমাদের একটা একবার যদি এই আপকো এই এটা 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 পিট শুরু করতে হবে। আরে এই এজ গার্ড কা কাম করেগা, এই পিট শুরু, এই পিট শুরু এজ গার্ড কা কাম নেই করেগা, এ আপনা কাম করেগা, এজ গার্ড আপনা কাম করেগা, বে বদনাম মত কর এজ গার্ড কা, এই 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 পিট শুরু मैं क्या बोलूं, मम्मा तो तुम्हारी है, इधर है, इधर है, इधर है, इतनी जल्दी है केक खाने की? नहीं नहीं केक खाने की नहीं, तुम सब लोग आए मुझे सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो ये हमारी गुड़िया दीदी का छोटा सा गुड़िया आया है, टुन टुन पीसी। Happy birthday, happy birthday.
ये देखिए सब बर्थडे पार्टी चल रही है, इसके बिना तो बर्थडे पार्टी नहीं पहले खाते थे, अब नहीं करते। अब हम समोसा पहले तो सुंदर आया था। लो कटोरी भी ये लो, अभी केक काटा जाएगा और केक बड़ा मस्त लाया, सबको बांटा जाएगा। केक अच्छा लाया, केक कट भी गया, सब में बट भी गया, बांटने के लिए काटा जाएगा। तो गाइज आपने देखा, हम पता है हमारा क्या होता है, हम पार्टी नहीं करेंगे पर हमारी छोटी मोटी जैसे मर्जी पार्टी हो जाती है। हमें पता है हमारा यही चलता है, हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे नहीं, लेकिन जब करते हैं मतलब ना करके, वो जैसे गाना नहीं है ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, वही वाला सीन चलता है, ना करके भी हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो अभी छोटी मोटी पार्टी सरप्राइज पार्टी हमारी हो चुकी है, अभी वही गेट छोटा मोटा बस चल रहा है। नेक्स्ट किसका है यहाँ पे, वैसे देखते हैं नेक्स्ट किसका है, फिर उसके घर में हल्ला बोलेंगे। मेरी बर्थडे गर्ल की बेटी, नहीं 3-4 दिन पहले पता चल जाता है नीचे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं अंदर। यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूट चल रही है अभी। नहीं कब है? मेरा तो गया। केक कटेगा, सब में बटेगा और अब ये बट भी रहा है। और भी मेरे ले लूंगी मैं, रखो। कौन बचा है? वो मेरे नसीब में आंखें मिली है, ये देखो ये को आंखें मिली है। अच्छा ये बांटना है ना, ये कटोरी है चटनी में होगी। दीदी का है ना, खाने वाला कोई भी नहीं है। अरे हम है ना खाने वाले, नहीं वाले। और कौन बचा मेरे, देखो तो आप ग्लास पकड़ के क्यों बैठे हो? कटोरी लाना पड़ेगा, इसको मत खोलो प्रभु। ये अभी यहाँ मोमोज की पार्टी चल रही थी, आधा सब प्लेट मोमोज कट कर गए, 4 पीस बचाए, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ। कोई खाएगा ये 4 पीस? खा लो। हाँ ये लो थोड़ा, इसको कुछ खाया नहीं? हाँ हाँ इधर तुमने कुछ खाया नहीं? खत्म हो गया अब। इनको ना थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए।
फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपने घर आ चुकी हूँ और पता है अभी मैं छत पे हूँ क्योंकि बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम है छत पे, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना सुंदर लग रहा है ना वो चिपचिपी गर्मी से, तो मतलब बहुत 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 अच्छा, मतलब बहुत बेटर है। तो इसीलिए थोड़े से इंजॉय कर रहे हैं अभी हम छत पे। मैंने छत वगैरह सब साफ़ किया है अभी क्योंकि थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो इसीलिए। तो चलिए थोड़ी सी मस्ती करते हैं। भीग तो सकते नहीं है क्योंकि इस मौसम में अगर हम भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, पर दूर से ठंडी ठंडी हवा का मौसम का मज़ा तो ले ही सकते हैं। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलती हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो पता ही है क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट के लिए लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय। सुबह 6 बजे का मौसम कितना सुंदर है ना, वाओ। We'll be right back.